अखिल भारतीय कायस्थ महासभा महिला प्रकोष्ठ का प्रांतीय प्रतिनिधि सम्मेलन गत दिवस रायपुर शहर के प्रभु टाउन में संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ उत्तर प्रदेश सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्री डॉक्टर अरुण सक्सेना, महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जितेंद्र नाथ, प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व पुलिस उप निरीक्षक उमेश श्रीवास्तव, राष्ट्रीय महिला उपाध्यक्ष शैफाली भटनागर और प्रमिला श्रीवास्तव द्वारा संयुक्त रूप से भगवान चित्रगुप्त जी की समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया। कायस्थ महासभा महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष सीमा श्रीवास्तव ने आयुर्वेद अतिथियों का स्वागत किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर चंपा श्रीवास्तव द्वारा की गई। कार्यक्रम का संचालन करते हुए अरविंद श्रीवास्तव ने आए हुए सभी अतिथियों के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया। मुख्य अतिथि वन एवं पर्यावरण मंत्री डॉक्टर अरुण सक्सेना ने अपने संबोधन में कहा कि बौद्धिक प्रतिभा के धनी कायस्थ समाज के युवाओं में योग्यता और सक्षमता की कमी नहीं है। वह प्रत्येक क्षेत्र में देश का नेतृत्व करने की योग्यता रखते हैं। उन्होंने कहा कि कायस्थ समाज के होनहार युवाओं को यदि अवसर प्रदान किया जाए तो वह देश के विकास में अतुलनीय योगदान दे सकते हैं। एसएमएन न्यूज़ के लिए मैं गौरव द्विवेदी, रिपोर्टर अनुपम मिश्रा के साथ। तो पेड़ लगाओ अभियान सरकार का था, उसके साथ में पेड़ बचाओ अभियान भी था। हम गए, हमने कुछ जगह पे जाके देखे जो पेड़ लगे हैं वो बचे हैं या नहीं, और जहाँ पेड़ों में कोई कमी देखी तो उनसे कहा कि ठीक करो, और अगर ठीक नहीं होंगे एक निश्चित समय के अंदर तो उनसे कहा कार्रवाई। हम पेड़ लगाओ अभियान के साथ साथ सरकार का पेड़ बचाओ अभियान चला रहे हैं। ये पेड़ हमने अपनी माँ के नाम लगाए हैं, और माँ से बड़ी चीज़ दुनिया में कोई नहीं होती। और पेड़ बचाओ अभियान के लिए हमने आम जनता से भी हमने हमेशा अपील की है, जो पेड़ था इसमें भी हमने शिरकत की, हम अपने समाज के इस कार्यक्रम में आए हुए हैं।